हेलो प्यारे बच्चों वेलकम टू आर चैनल उड़ान सपनों की <laughs> आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की साइंस की वर्कशीट वर्कशीट नंबर सिक्स जो कि आपकी डेट उन्नीस अप्रैल की है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे जिज्ञासा दीदी वी हैव लर्न अबाउट द एलिमेंट बट वॉट अबाउट कंपोनेंट्स हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया कंपोनेंट का क्या ज्ञान कंपोनेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म वेन टू और मोर एलिमेंट कम्बाइंड टुगेदर बाई ए केमिकल प्रोसेस इन ए फिक्स रेशो बाई मास यानी कि कंपाउंड क्या होता है दो से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं पर उनका जो रेशो होता है वो सेम होता है मतलब फिक्स रेशो होता है फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सी ओ टू ग्लूकोज वाटर वाटर इज फॉर्म बाई केमिकल कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का एक है ऑल द सब्सटेंस डेट आर प्रेजेंट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट है ना एलिमेंट से बने हुए जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं बट इन नेचर मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर तो कंपाउंड फॉर्म में भी मिलते हैं बहुत सारे देखिए कंपाउंड एंड मिक्सचर का यहाँ पे बता रखा है क्या क्या है कंपाउंड क्या है दीज आर फॉर्म बाय केमिकल प्रोसेस ठीक है और मिक्सचर में क्या होता है केमिकल प्रोसेस नहीं होता है दीज आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर ये प्योर होते हैं यह है आपके इम्प्योर होते हैं देयर कंपोजिशन आर ऑलवेज फिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन तो इनका कंपोजिशन जो होता है डेफिनेट होता है फिक्स होता है और इसमें क्या होता है आपका नॉट फिक्स फिक्स नहीं होता है द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टेंट एलिमेंट यानी कि जिन एलिमेंट से मिल के बनाए फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाया आपका वाटर मिलाए तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी से वाटर की प्रॉपर्टी अलग होगी मिक्सचर में क्या होता है ये मिक्सचर शो डा शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टेंट प्रेजेंट इन इट तो ये प्रॉपर्टी शो करता है दे चेंज इन टू लिक्विड गैस एट ए डेफिनेट टेम्परेचर तो इनको चेंज कर सकते हैं वैन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स टूगेदर इन एन ए प्रोपोशन दे फॉर्म में मिक्सचर तो इसको कोई भी कोई किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं पर ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं हो सकते हैं इट्स कंस्टेंट कैन भी सेपरेट ओनली बाई केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस एट्सेट्रा तो इसके जो कंपोनेंट हैं हम उसको केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं और मिक्सचर में क्या होता है मिक्सचर कैन भी होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस तो होमोजीनियस भी हो सकता है और हाइड्रोजीनियस भी हो सकता है हाइड्रोजीनियस होगा तो हम उसे फिजिकल मेथड से लाइक फिल्ट्रेशन एवेपरेशन सीविंग एटसेट्रा इन सबसे हम अलग कर सकते हैं यहाँ देखिए कंपाउंड के एग्जाम्पल वाटर कॉमन सॉल्ट कॉपर सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एटसेकट्रा चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट आर कम्पाउंडस एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल ठीक है तो कंपाउंड क्या है आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताना है तो आप यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट का आंसर कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म वैंड टू और मोर एलिमेंट कम्बाइंड टूगेदर बाय ए केमिकल प्रोसेस इन ए फिक्सड रेशो बाई मास एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज वाटर ठीक है वाटर इज फॉर्म बाई केमिकल कॉम्बिनेशन तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर ठीक है नाइन्थ क्लास में आ गए आई होप आप वर्कशीट से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं बड़े बच्चे हो गए अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर तो भाई ये तो बहुत ईजी दिया हुआ है आप लाइन खींचिए कंपाउंड लिखिए मिक्सचर लिखिए और कितने सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ से कर लेंगे आप कोई भी लिख सकते हैं फिर है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड एंड मिक्सचर आल्सो आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम सेपरेटली तो बेटा इसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको बताना है कंपोनेंट कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है तो मैं एक काम करती हूँ जो आपका कंपोनेंट होगा उसको सर्कल कर देती हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं आपका जो कंपोनेंट है मैं सिर्फ उसको सर्कल uh, कर देती हूँ ठीक है वाटर जो है भाई एच टू ओ जो है आपका ये आपका कंपाउंड है ठीक है इसके बाद शुगर जो है ये भी आपका कंपाउंड है इसके बाद है आपका सॉल्ट भी कंपाउंड है क्योंकि एन सी एल होता है ये शुगर सोल्यूशन ये नहीं है एयर भी नहीं है मिल्क भी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड भी सी ओ टू है ये इसका क्योंकि इनका जो कम्पोजिशन होता है वो आपका फिक्स होता है इसलिए ठीक है और कोई बात नहीं है वरना सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका एच सी एल ये भी नहीं होगा सॉरी एच सी एल भी आपका कंपाउंड होगा ठीक है तो ये आपका हो गया और जो आपके बच गए वो आपके क्या हो जाएंगे मिक्सचर हो, हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे क्योंकि इनमें जो प्रोस जो रेशो होता है कंपोनेंट एलिमेंट्स का वो फिक्स होता है इसलिए ये कंपाउंड है तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग